जैसे ही आप साइकिल के पंप से एक बोतल के अंदर कंप्रेस्ड एयर भरते हैं, बोतल रॉकेट जैसे लॉन्च करती है। इसका नाम है बॉटल रॉकेट। इसको बनाने के लिए आपको एक साइकिल का पंप, एक रबर की कॉर्क, एक पिन, साइकिल का बेयरिंग और दो अलग अलग व्यास की प्लास्टिक ट्यूब चाहिए। इस प्लास्टिक ट्यूब में गेंद बिल्कुल फिट बैठती है, अंदर नहीं जाती, दूसरे के अंदर गेंद ढीली है। अब ये करीब एक फिट का इस ट्यूब का टुकड़ा आप रबर कॉर्क जिसके अंदर छेद हो उसके अंदर कस के धंसा दें। एकदम टाइट फिट इस ट्यूब को डाल दें। उसके बाद में एक पेपर की पिन लेकर के इसको ट्यूब में धंसा दें। ये पिन एक स्टॉपर का काम करेगी, गेंद को रोकेगी। उसके बाद में साइकिल के छर्रे को इस मोटी ट्यूब में डाल दें। ये देखिए टिका हुआ है पिन के ऊपर। उसके बाद में पतली प्लास्टिक की नली को फिट कर दें। अब इतना ही एक मार्ग है गेंद के चलने के लिए। दोनों ट्यूब के जोड़ को आप टेप से सील कर दें। अब ये साइकिल का छर्रा एक वन वे वाल्व बनाएगा। अब पतली नली को आप साइकिल के पंप वाली नली के अंदर धंसा दें और इस जोड़ को भी आप टेप द्वारा सील कर दें। अब इस प्रयोग का जो मुख्य भाग है वो अभी तक हम जुगाड़ कर पाए हैं। अब ये देखिए, जैसे ही आप पंप करेंगे वैसे ही बोत आप गेंद को देखिए, ये ऊपर नीचे होगी, यानी एक तरह का वाल्व है। नली से बोतल में पानी जाएगा, हवा जाएगी, पर बोतल से नली के अंदर हवा नहीं जा सकती, वन वे वाल्व है। अब आप बोतल को फिट करिए, रबर की कॉर्क को पकड़िए। जैसे ही आप पंप करेंगे वैसे ही कंप्रेस्ड एयर से बोतल ऊपर रॉकेट जैसे उड़ जाएगी। अब दूसरे प्रयोग में आप इस बोतल को करीब चौथाई पानी से भरें और उसके बाद में इसमें रबर की कॉर्क को कस के फिट कर दें, बिल्कुल धंसा दें। बोतल गिरती नहीं है। अब बोतल को उल्टा करके रबर की कॉर्क को पकड़ लें। अब अपने मित्र से कहें कि वो इसके अंदर पंप करे। धीरे धीरे जब हवा पंप होगी तो पानी और हवा एक कंप्रेस हो जाएगी और बोतल को रॉकेट जैसे लॉन्च करेगी। ये एक बेहद ही मज़ेदार प्रयोग है। इसको पूरी कम्युनिटी, पूरा समुदाय मिलकर के इस प्रयोग का मज़ा ले सकता है। इसके लिए सिर्फ एक साइकिल का पंप और चंद साधारण चीज़ें हैं जो जुगाड़ करनी है।